मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने न्यूज़ वर्ल्ड से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाना है, इस दिशा में उनकी सरकार काम कर रही है। बिजली की चोरी को रोकना और नए प्रीपेड मीटर को लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की हर घर सोलर योजना ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सर, किस दिन पहले दिन की कार्रवाई किस तरह की रही? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। कांग्रेस उन मुद्दों पर चर्चा न करके भटकाव की राजनीति कर रही है, तो सदन में मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण सदन चले और जनहित के मुद्दों में इस पवित्र लोकतंत्र में चर्चा हो। ऊर्जा के हित में आपका फैसला काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए लिहाज से अच्छा है, क्योंकि जैसे हर घर सोलर स्कीम लागू हो रही है, प्रीपेड मीटर की स्कीम पे काम हो रहा है। देखिए, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी साफ मंशा है कि लोगों को बिजली सस्ती मिले, निःशुल्क मिले। उस पर हमारा प्रदेश, हमारी विद्युत वितरण कंपनियाँ काम करना शुरू कर दी।